चलो ये देख सकते हैं RX 100 एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन के लिए आई है। इसका रिम का हालत बहुत ही ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। इसकी इंजन देख लो, इसका चैसिस देख लो, पूरा सड़ चुका है इधर से, और ये टैंक वगैरह देख लो। तो ये है RX 100, ओरिजिनल ही RX 100 है। तो इसका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। कार्बोरेटर मैंने जस्ट खोला है देखने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। स्पार्क प्लग इसमें है नहीं, इसमें इंजन का देखो ये वाला चीज़ भी है नहीं। चेस का हालत देख सकते हैं, 10 साल के ऊपर से ही ये ऐसे ही खड़ा था, तो रस्टिंग जाके ये पूरा सड़ चुका है अंदर से। इसका सीट ये देखो सीट का हालत देख लो। इसको रजिस्ट्रेशन करना है पूरा ब्रांड न्यू, और थोड़ा बहुत ऊपर में इसमें डिस्क ब्रेक वगैरह मॉडिफाई भी करना है। तो RX 100 का सीरीज़ अभी स्टार्ट हो रहा है, और इसका मैं अगर पत्थर हटा के दिखाऊँ, ये देखो पूरा सड़ चुका इधर से चेसिस वगैरह। तो सबसे पहला काम है आज का चेसिस रिवील नहीं करेंगे, सबसे पहला मेरा काम है इस बाइक को स्टार्ट करना, क्योंकि ये वाला बाइक स्टार्ट लेगा कि नहीं लेगा मुझे नहीं पता, इसके अंदर ऑयल है कि नहीं, क्योंकि ये आई थिंक 4 स्पीड वाला है। यहाँ पे देखो RX 100 लिखा हुआ है, ब्लॉक सिलेंडर गया है कि नहीं है मुझे भी नहीं पता, वायरिंग वगैरह चेक करना पड़ेगा, वायर वगैरह तो निकला हुआ है ये वाला। तो किक वगैरह मार के इसका ड्रेन बोल्ट खोल के इसके अंदर फ्लशिंग थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे। इसके इंजन को थोड़ा बहुत खोलना ही है, कार्बोरेटर वगैरह आई थिंक पूरा जाम है। तो आज का वीडियो RX 100 के ऊपर ही होने वाला है, इस बाइक को सबसे पहले स्टार्ट करना है। स्टार्ट लेगा कि नहीं लेगा मुझे नहीं पता, बट कंडीशन आपके सामने, ये RX 100, इसको करना है ब्रांड न्यू। इस इंजन को स्टार्ट करने से पहले साथ हम चेक करेंगे इसका करंट का इशू है कि नहीं, अगर इशू हुआ तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको पहले चाबी ऑन करते हैं, ये हमारा चाबी ऑन हो गया। इसका प्लग भी नहीं है, ऐसे ही है। अभी इसको हम शॉर्ट करके किक मारेंगे, अगर करंट आ गया तो भाई 50% काम हमारा कम्प्लीट हो चुका है। भाई गुड न्यूज़ ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, मतलब इसमें वायरिंग में लगभग कोई फॉल्ट नहीं है। तो अभी हम काम करेंगे, इसको ऐसे लगा देते हैं क्योंकि इसका प्लग अडेप्टर है नहीं, और प्लग भी हम खोलेंगे नहीं। अभी जगह पर लगता है कार्बोरेटर, और कार्बोरेटर के अंदर से देखो ये सब चीज़ें निकला है, ये एयर फिल्टर बॉक्स से निकला है, और मतलब हाथ मतलब क्योंकि अगर कोई बिच्छू वगैरह सांप वगैरह हो सकता है। तो अभी कार्बोरेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे ये इस बाइक का कार्बोरेटर, और मुझे नहीं लगता ये काम पर आने वाला है, बट देखते हैं, बजट का भी थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इसके अंदर मैं इसको ओवरनाइट केरोसिन में लुभा के रखा था। सो कार्बोरेटर को ओवरनाइट केरोसिन में डुबाने के बाद अभी इसको हम खोलेंगे। आई थिंक इसका जेट वगैरह पूरा ही, मतलब मुझे नहीं पता ये चालू है कि नहीं, ओवर फ्लो का प्रॉब्लम है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे भी नहीं पता, बट ट्राई करेंगे चल जाएगा, अंदर अदरवाइज खर्चा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बजट बढ़ जाएगा अगर ये न्यू लगाना पड़ा तो। ओके, ये हमने इसका कार्बोरेटर खोला, अंदर थोड़ा सा क्लीनिंग तो है बट इसको क्लीन करना पड़ेगा। ओके, ये वाला पिन निकालते हैं, ये वाला फ्लोट सही है, और सबसे मेरा डाउट है कि इसमें ये वाला जो पिन देख रहा है, आई थिंक इसमें ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है। अगर इसमें ओवरफ्लो का प्रॉब्लम हुआ तो भाई कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा, ये वाला फ्लोट मिलता ही नहीं है, और कार्बोरेटर का प्राइस लगभग ज़्यादा ही होता है RX 100 का, बट देखते हैं, नॉट श्योर। उसके बाद ये वाला मेन जेट, ये वैसे आता है मेन जेट जो कि पूरी तरह से जाम है, और ऊपर से ये वाला जो पाइप देख रहे हैं इसके अंदर पेट्रोल चढ़ता है वो भी जाम है, और इसके अंदर ये स्लो जेट है ये भी जाम होगा, मतलब पूरा सब कुछ खोलना पड़ेगा। पूरा जाम है। उसके बाद ये वाला जो है इसका मेन जेट है, इसको देखते हैं, 10 साल से खड़ा था भाई, ये भी देखो पूरा जाम है। ओवरनाइट हमने केरोसिन मिसलेट वगैरह रखा था कि इसका जामनेस कट जाए, अभी देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ये देखो पूरा क्लीन हो चुका है। इसमें पेट्रोल यहाँ पर केरोसिन डाला है, और इसको मैंने अटैच कर दिया है, देख सकते हैं। और इसमें चेक करने वाला हूँ इसका ओवरफ्लो का प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए क्योंकि मैंने क्लीन वगैरह सब कुछ तो कर दिया है, अभी देखते हैं। ये हमने कर दिया ऑन नोजल, और इसमें देखो अभी ये वाला हिस्सा कम हो रहा है, और इधर से अगर कुछ गिरा तो भाई ओहो हो, ये देखो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ भाई, बैड न्यूज़। इसको फिर से खोलते हैं,
और देखते हैं किसी दूसरे बाइक का अगर फ्लोट पिन लगता है तो लगा देंगे, अदरवाइज़ कार्बोरेटर का पूरा किट मंगाना पड़ेगा, या फिर नहीं मिलता तो भाई कार्बोरेटर ही चेंज करना पड़ेगा। जिसका डर था वही हुआ है। तो मेरे पास ये बजाज बॉक्सर का कार्बोरेटर पड़ा था दूसरे कंपनी का, तो इसका फ्लोट पिन हम लगा के देखेंगे, ठीक हो जाता है तो बजट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये बजाज बॉक्सर का फ्लोट पिन देख सकते हैं, क्या ये वहाँ RX 100 में लगेगा देखते हैं। ये है यामा का, जो कि देख सकते हैं सार पेजेस वाला नहीं है, और ये कार्बोरेटर सही है, ये वाला लगा कर देखते हैं। आई थिंक दोनों लगभग सेम है, लग जाना चाहिए। ओके देखो प्रॉपर देखो फिटिंग तो हो गया, ये वाला हम लगा देते हैं, और फ्लोट काम करना चाहिए, देख सकते हैं ये पिन देखो अंदर रे दब रहा है, ठीक है। और ये RX 100 के चोक, इसको हमें क्लीन कर देगा बिल्कुल चकाचक, और ये सही है, इसको हम लगा देंगे। चोक प्रॉपर से काम होना चाहिए, अदरवाइज बाइक स्टार्ट नहीं होगा, मतलब बाइक में ओवर आपका पेट्रोल जाएगा और बाइक बार बार चोक हो जाएगा। सो गाइस, इस बार अगर ओवरफ्लो हुआ तो भाई कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने इस पर लगा दिया है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसके अंदर से पेट्रोल नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पे देखो फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा है, देखो फ्लो पेट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है ना, थोड़ा सा हाँ कम हो रहा है। सिर्फ इधर देखते हैं मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने फ्लोट पिन चेंज कर दिया, दूसरे बजाज बॉक्स का लगा दिया है, लग भी गया लकीली। और ओके इधर देखो कम हो चुका है बहुत ज़्यादा, और ये सक्सेस हो गया। हाँ अभी इतना हो गया कम, बट फिर भी इधर से देखो कोई भी पेट्रोल नहीं गिर रहा है इधर से, ठीक है। अब ऐसे हाँ नहीं गिर रहा है, अब ऐसे करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, तीर्चा करेंगे, बट अभी कोई भी देखो पेट्रोल नहीं गिर रहा है, तो हमारा इसका कार्बोरेटर का पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो चुका है। सब इसका हम एयर फिल्टर बॉक्स ओपन करने वाला है, देखते हैं क्या निकलता है। 10 साल के बाद ये एयर फिल्टर खोल रहा है, ये देखो क्या निकला, टेंटेडन। ये देखो एयर फिल्टर बॉक्स से क्या निकला, झाग वगैरह निकल रहा है, ये देखो ये घास भूस पड़ा है। तो हमने क्लीन कर दिया बिल्कुल चकाचक तरीके से। अभी इसका अंदर एयर फिल्टर बॉक्स, अभी इसके अंदर तो एयर फिल्टर नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, लगा देते हैं, बाद में चेंज तो कर देंगे। अभी सिर्फ बाइक को स्टार्ट करना है, और ये हमारा फिटिंग हो गया। तो इस इंजन में अभी इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे, नीचे के बोल्ट खोल के देखते हैं ऑयल निकालता हो, ठीक है। उसके बाद इस इंजन को फ्लश करना पड़ेगा, तब जाके इसका मतलब मैं स्टार्ट करूँगा, अभी स्टार्ट नहीं कर सकता। अरे कितना बड़ा बोल्ट है, देखो इतना बड़ा बोल्ट रहता है क्या, ये देखो ये क्या निकल रहा है। मैं आपके जानकार लिए बता दूँ, ये है इंजन ऑयल के साथ जब पानी मिक्स होता है तो ये सफ़ेद टाइप का हो चुका है, और इसके अंदर से इंजन ऑयल मुश्किल से 50 से 100 ग्राम 100 ml निकला है, देखो आपके सामने है। देखो नीचे से पूरा पानी निकल रहा है, इसके बाद पेट्रोल या फिर केरोसिन से इसको भी वॉश करना पड़ेगा, अभी जस्ट इसके अंदर क्लीन कर रहे हैं हम। सो इसको हमने क्लीन तो कर दिया है, अभी नेक्स्ट इसके अंदर हम ओल्ड इंजन ऑयल डालेंगे। ऑब्वियसली इंजन का कंडीशन चालू होगा कि नहीं पता, तो सबसे पहले ऑयल ड्रेन हमने लगा दिया है, अभी इसके अंदर ओल्ड इंजन ऑयल डालेंगे क्योंकि इसके अंदर इंजन ऑयल था ही नहीं। उसके बाद इसको इसके अंदर केरोसिन डाल कर ड्रेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये हम ओल्ड इंजन ऑयल डाल रहे हैं,
और इंजन के मैं चाह रहा हूँ कि इंजन सस्ते में हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम है मॉडिफाई करना है, मतलब क्रॉस टू क्रॉस करना है। तो इंजन के ऊपर ऊपर से कार्बोरेटर का मैंने बताया था कि कार्बोरेटर सही हो चुका है, पर देखना पड़ेगा, हो सकता है कार्बोरेटर चेंज करना पड़े माइलेज का अगर इशू आता है, क्योंकि बाइक 10 साल से ऊपर से हो गया है, मतलब ऐसे ही पड़ा था पूरा, तो सड़ चुका है देख सकते हैं। और अगर इसके अंदर कुछ काम आ गया तो भाई पूरा इंजन तो ओपन करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलिए मैंने इसका ये वाला पाइप लगा दिया है, इस पाइप को ऑन करते हैं, इस पाइप को ऑन करते हैं। और इसमें प्लग नहीं था, मैंने बजाज बॉक्सर का प्लग डाला, इसमें फिट हो गया डायरेक्ट। अभी भाई को स्टार्ट करते हैं, चलो जी स्टार्ट करते हैं। भाई गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, मतलब सत्यानाश हो गया। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, अब इस बार नहीं हुआ तो भाई कुछ वायरिंग वगैरह पूरा, मतलब तामझाम पूरा ओपन ही करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली बाइक स्टार्ट हो चुका है, और इसका ट्यूनिंग भी रुक गया था, ट्यूनिंग अरे भाई बंद हो गया फिर से, और फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, कुछ अभी इसके हेड से कुछ अलग टाइप का साउंड आ रहा है। चोक को ऑफ करते हैं बीच, प्लग तो ठीक है हो गया। आरपीएम बढ़ाया था, ओके स्टार्ट तो हो गया भाई, और अभी फुल रेप करता है थोड़ा सा। ओ भाई पूरा धुआं धुआं हो गया। अभी खुशी इस बात की है, अभी खुशी इस बात का है कि भाई इंजन स्टार्ट हो गया, बट अभी इस खुशी इस बात का है कि भाई इंजन स्टार्ट हो गया, वायरिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत है रिपेयर हो जाएगा, और कार्बोरेटर वगैरह सही है, खोलना तो पड़ेगा, ऊपर वाला प्लग खोलना पड़ेगा। बट गम इस बात का है भाई, इसके इंजन के हेड से ना बहुत बढ़िया गंदा तरीके से साउंड आ रहा है, इसके इंजन के हेड से, मतलब हेड इसमें तो कोई कुछ रहता नहीं है, मतलब इसका क्रैंक पूरा गया है, मतलब इसका इंजन मतलब सत्यानाश हो गया, पूरा ही खोलना पड़ेगा। इंजन से बहुत गंदा तरीके का साउंड आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी साउंड सुन लो हेड का, तो मतलब इसका इंजन ओपन करना पड़ेगा। स्टार्ट तो हो चुका है बट बहुत मुश्किल से स्टार्ट है, बार बार ये बंद हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा अगर प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हो तो, क्योंकि ऊपर सिर्फ 10 साल के ऊपर हो गया खड़ा होके, बट स्टार्ट तो हो रहा है। उसके बाद इसका पूरा फुल इंजन हमको नेक्स्ट वीडियो में ओपन करना पड़ेगा भाई, 40-50 की खा तो हम नहीं मारे ऑफ वीडियो, तो यही केस है।
आज का वीडियो इसी के ऊपर था भाई। भाई सीन कुछ ऐसा है, बाइक स्टार्ट हो गए बट हमारा हालत ख़राब हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में इसका इंजन को ओपन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इस बाइक के इंजन को ओपन करेंगे पूरा फुल इंजन का रिव्यू आई थिंक करना पड़ेगा 100% करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा काम नहीं बनेगा। उसके बाद बाइक का हालत ही है। सो अगर आप कमेंट करते हो तो भाई इसके इंजन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इंजन कैसे ओपन करते हैं, इसके ऊपर कितना खर्चा आने वाला है, और क्रैंक वगैरह कैसे रिपेयर होता है, सब कुछ मैं टू स्ट्रोक बाइक का काम लगभग कर दूंगा। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, अदरवाइज कमेंट नहीं करते तो भाई पूरा चेसिस रिबिल्ड होगा, पूरा सामने एलॉय व्हील डिस्क वगैरह स्पीडोमीटर वगैरह नहीं आएगा, तो बहुत सारा खर्चा है, करना तो पड़ेगा। बट अभी के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद। हाँ गाइस, हाँ जो लोग RX 100 लवर हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, RX 100 की जय।